रिपब्लिक भारत आपका पसंदीदा, आपका नंबर वन, भारत का नंबर वन न्यूज चैनल अब एक नए अवतार में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी हार को देखते हुए जिस प्रकार से बौखलाहट में है और ऐसी हरकतों पर आ रहे हैं जो आज से पहले कभी हिमाचल प्रदेश में देखने और सुनने को नहीं मिली है। आज हम लाहौल स्पीति के काजा में एक जनसभा को संबोधित करने गए थे। मेरे साथ में मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो कैंडिडेट है कंगना रनौत जी साथ थे, रवि ठाकुर जो वहां से उपचुनाव लड़ रहे हैं लाहौल स्पीति से वो भी साथ थे। और जब सुबह में वहां पर पहुंचा तो मुझे जानकारी मिली कि उसके थोड़ी देर जहां हमको परमिशन मिली है कार्यक्रम करने की, उससे थोड़ी दूर जो है कांग्रेस पार्टी का भी एक प्रोसेशन जो है उसके लिए परमिशन दे दी है। और आशंका इस बात को लेकर बड़ी उसी वक्त हो गई थी कि वो कुछ शरारत करने वाले हैं। मैंने एसपी से उसी वक्त बात की और मैंने कहा कि एंश्योर करें कि हमारी पब्लिक मीटिंग को डिस्टर्ब ना करें, डिस्टर्ब ना करें, उन्हें जो करना हो अपनी जगह करें और ना ही हमारे रूट को वो ऑब्स्ट्रक्ट करें। उन्हें मुझे कहा कि भाई निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए, हम बिल्कुल इस बात को एंश्योर करेंगे। लेकिन जैसे हमारी सभा शुरू होने के बाद, सभा आधे से ज्यादा समय का हो गया था, समापन की ओर बढ़ रही थी, उतने को कांग्रेस के वो लोग हाथ में काले झंडे लेकर के हमारी सभा के स्थल की ओर बढ़ने लगे। हमने अपनी सभा समाप्त की और सभा समाप्त करने के बाद हमने वापिस आना था, हम हेलीपैड की तरफ जैसे चलने लगे तो उन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया और गाड़ी को धक्के मारने लग पड़े, गाली गलौज और बहुत ज्यादा वहां पर हुड़दंग जिसको कह सकते वो करने की कोशिश की। और मैं हैरान हूं कि वहां जब एसपी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अनश्योर किया हमने, वहां पुलिस फोर्स भेजी, तो पुलिस के शायद 3-4 लोग वहां पर थे। और उस सारी घटना के बाद हम कई मिनट तक वहां पर जो है लगभग 20 मिनट तक उनके कारण जो है जो सड़क उन्हें रोकी उसके कारण जो है वहीं पर हमको रुकना पड़ा, सड़क पर रुकना पड़ा। और ऐसे में स्कफल हो गया। स्कफल होने के बाद हमारा एक पार्टी का कार्यकर्ता रोहन कपूर करके नौजवान साथी है, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई उस धक्के मुक्के में। और ऐसे घटनाएं जो जिस प्रकार से हुई है, मैंने उसके बाद डेप्टी कमिश्नर से भी बात की और मैंने उसके साथ साथ में हमारे पार्टी के नेताओं से भी बातचीत की। और अभी मैंने इलेक्शन कमीशन के हमारे जो सीईओ हिमाचल प्रदेश है मनीष गर्ग, उनसे भी बात की कि इसका संज्ञान लें। सबसे पहली बात तो यही है कि परमिशन जब हमको दी गई थी उनको परमिशन देनी नहीं चाहिए थी। अगर दी है तो उनको हमारी तरफ मूव करने के लिए पुलिस की प्रोटेक्शन में जिस प्रकार से एक तरह की इजाजत दी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे करते हुए जो प्रदर्शन आज उन्होंने किया है उससे पूरे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई और खास तौर से जो चुनाव आयोग के जो हमारे मानदंड है जो एमसीसी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, उनकी उल्लंघना हुई है। हमने आज बोला है कि वहां पर एफआईआर की जाए उन दोषियों के खिलाफ, लेकिन अभी तक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हमारी पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन को शिमला में जाकर के अपना मेमोरेंडम देने के लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सही बात यह है कि हम जान बचा करके आए। वो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, हाथ में डंडे थे, हाथ में उनके काले झंडे थे और झंडे के साथ साथ में पत्थर थे, तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है आपके उत्तरों में। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से सारे सिस्टम को इस तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अधिकारी इस प्रकार से जब काम कर रहे हैं उनके इशारे पर, सरकार के इशारे पर, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं इलेक्शन कमीशन इस सारी घटना का नोट लेगी और उस पर एक्शन करे, उन पर एक्शन करेगी। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू की। इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि एक साल के अंदर भारत का नंबर वन चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने
मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की, वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की जरूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं जिन्होंने सोचा था कि अर्णब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्णब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूं।